तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में SMD LED जो होता है इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और इसके लिए मैं एक ये हॉट एयर गन भी है मेरे पास, और एक 60 वाट का जो सोल्डिंग आयरन जो ये होता है ये भी है मेरे पास। तो हम लोग इसे दोनों से ट्राई लेंगे कि किससे बेस्ट मतलब उखड़ सकता है, ठीक है, और किससे जल्दी उखड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हॉट एयर गन को मैंने यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पर मेरा थोड़ा पेस्ट और डाल दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा, ताकि हमारा LED में जो है अच्छे तरीके से चारों बगल फैल जाए। तो यहाँ पर मैं एयर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो एयर काफ़ी ज़्यादा थोड़ा दिया जा रहा है। और ये मेरा जो पेस्ट जो है फ्रेंड्स, ये अलग टाइप का है, ये जो पेस्ट होता है वो मतलब 10 रुपये में इतना ज़्यादा भी मिल जाता है कि ये काम चला देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोस्तों ठोस में आता है थोड़ा, ठीक है, इसलिए ये पिघलने में थोड़ा टाइम भी लेता है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लेता है। तो मैं यहाँ हॉट एयर गन पर मार रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है पेस्ट, और इससे बेस्ट मुझे कोई भी और आज तक पेस्ट नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा उखाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यार इसमें का ऊपर का जो परत जो होता है ये उखड़ गया था यार, ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन उसी के साइड में जो एक जो जियान हुआ है, लेकिन उसके साइड में का जो है वो निकल सकता है, यहाँ पर आप निकालने की कोशिश करो। तो मैं अभी फ़िलहाल जो ये निकल गया है उसके ऊपर का पीला वाला परत, उसको मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। तो खैर उसके साइड वाला भी निकालते हैं, तो वो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर देख सकते हो निकल गया, आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल आसानी से निकल गया। और अब बारी आती है हमारी सोल्डिंग आयरन की, जो कि 60 वाट की है। तो हम लोग पहले इसे रख लेते हैं अच्छे तरीके से, और हमारा सोल्डिंग आयरन जो है 60 वाट का है, इसको हम लोग यूज करते हुए इसका LED जो है वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर का ये खांचा बनाया है, ठीक है, बीच में से निकाल कर जो स्क्रू में आसानी से फिट कर देता हूँ मैं, तो मैं इसमें डाल दिया हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग सोल्डिंग आयरन जो है रख रहे हैं। दोस्तों ये जो आप लोग वीडियो अभी देख रहे हो ये मतलब कि उतना समय लग जाता है इसको, ठीक है, आप लोग देखो ये पूरा लाइव मैं दिखला रहा हूँ, लाइव प्रूफ है, ठीक है। अब इसमें कितना समय लग रहा है आप ही देख लो। और यहाँ पर SMD हमारा जो है थोड़ा गर्म हो गया है, यहाँ पर आप लोग को दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। यहाँ पर देख सकते हो यार हमारा SMD जो है बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से उखड़ गया, और एक नहीं ये पूरा का पूरा उखड़ गया है, देख लो ये पूरा का पूरा उखड़ गया है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको एक की जगह दो जरूरत है, चार जरूरत है, तो आप इसे उखाड़ भी सकते हो और इससे आसानी से बैठा भी सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा गर्म है तो मैं इसे टच नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एकदम अच्छी तरीके से हमारा LED जो है उखड़ गया। तो ये दोस्तों ये जो है 60 वाट की सोल्डिंग आयरन थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना।